नमस्कार दोस्तों, कहानी का शीर्षक है ससुर नहीं पिता हूँ तुम्हारा। अशोक जी ने गुनगुनाती हुई सीमा को चाय का कप पकड़ाया। यही लो सीमा बेटा, चाय पी लो। और यही सिर में गाना नहीं गुनगुना रहा था बल्कि तुम्हारे लिए कह रहा था। लेकिन पापा, मैं कैसे सबका सामना करूं? आते जाते सब लोग मुझ पर ताना कसते हैं। मैं लड़की हूँ तो क्या तो हर बात पर मुझ पर ही उंगलियाँ उठेंगी? देखो बेटा, जितना तुम दुनिया और लोगों की बातों पर ध्यान देगी उतना ही तुम खुद को तकलीफ पहुंचाओगी। तुम सबकी बातों को सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब कर लोगी। लेकिन इस सब से किसी को जरा सा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, जमाना ही ऐसा है। इसलिए सिर्फ तुम अपने बारे में सोचो। इस कहानी की नायिका है सीमा, जो कि अपने ससुर अशोक जी और सास निर्मला जी के साथ रहती हैं। सीमा काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी और वही शादी से पहले अशोक जी के ऑफिस में ही काम करती थी। अशोक जी को सीमा का व्यवहार बहुत पसंद था, जो मन ही मन उसे अपनी बहू के रूप में देखती थी। एक दिन मौका पाकर जब सीमा ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गई तो अशोक जी उसे घर तक छोड़ने का बहाना लेकर उनके माता पिता से मिलने चले गए, ताकि उसे सीमा के बारे में और उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी मिल सके। सीमा के माता पिता से मिलकर उनके विचारों से अशोक जी बहुत प्रभावित हुए। अशोक जी का बेटा निखिल भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर था। अशोक जी ने निखिल को सीमा के बारे में बताया। निखिल भी अच्छे आधुनिक विचारों वाला लड़का था और वही भी चाहता था कि उसकी भावी पत्नी अपने पैरों पर खड़ी हो। और फिर ऊपर से अशोक की सीमा को अच्छे से जानते समझते थे। निखिल के एक दो दोस्तों ने अपने माता पिता की सहमति के बिना लव मैरिज की थी, जिससे कि उनके माता पिता को बुरी तरह टूटते हुए देखा था। इसलिए उसने मन ही मन फैसला लिया था कि जब भी वह शादी करेगा तो सिर्फ अपनी मम्मी पापा की पसंद की लड़की से ही करेगा, क्योंकि उसकी नज़र में यह अधिकार माता पिता को मिलना चाहिए। और माता पिता से बढ़कर अपने बच्चों के लिए अच्छा जीवन साथी और कोई नहीं ढूंढ सकता। जब उसे पता चला कि अशोक जी सीमा को बहुत पसंद करते हैं तो उसने बिना समय गंवाए अशोक जी को शादी के लिए हाँ कह दिया। अशोक जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने तय समय पर निखिल और सीमा की शादी करवा दी। अशोक जी और उसका परिवार आधुनिक विचारों के ही थे, इसलिए शादी के बाद भी सीमा उसी तरह से नौकरी करती रही जैसे शादी से पहले करती थी। अशोक जी ने कभी भी सीमा को ससुर की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। सीमा शादी के बाद बहुत खुश थी, लेकिन जब वह एक बहू के रूप में आई तो अशोक जी से कुछ भी कहते हुए झिझकिचाती थी। तभी एक दिन अशोक जी ने सीमा को अपने पास बुलाकर कहा, देखो बेटा, माना कि अब रिश्ते में तुम मेरी बहू और मैं तुम्हारे ससुर हूँ, लेकिन तुम्हारा बेबाक बोलना मुझे बहुत पसंद आया था। आज के समय में लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। तुम मेरे साथ वैसे ही रहो जैसे अपने पापा के साथ रहती हो, ठीक वैसे ही जीत करो और एक बेटी की तरह ही मुझसे रूठो, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक बेटी की कमी हमेशा मुझे खलती थी और अब मैं वही कमी पूरी करना चाहता हूँ। अपनी ससुर के मुँह से यही सब बातें सुनकर सीमा उनकी गले से लग गई और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती थी कि उसको इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। उसकी ससुर माँ निर्मला भी सीमा और निखिल में कोई भेदभाव नहीं करती थी। वक्त अपनी गति से चले जा रहा था कि एक बार किसी एक्सीडेंट में निखिल की मौत हो गई। पूरा परिवार बुरी तरह से बिखर गया था। सीमा को एकदम चुप हो गई थी, लेकिन जब उसने अपनी सास ससुर की हालत देखी तो उसे रहा नहीं गया। वही उन्हें एकदम
हर कदम पर हौसला देती, अपनी दिल की तकलीफ और दर्द को अपने अंदर समेटे हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी। अशोक जी और निर्मला जी भी अपनी बहू के दर्द को अच्छे से जानती थी और वही उनकी खुशी के लिए ही मुस्कुराती रहती है, यही भी भली बातें समझती थी। इसलिए अब वो दोनों धीरे धीरे इस दर्द से खुद को उबार रही थी। धीरे धीरे सीमा ने अपने आप को घर तक ही सीमित कर लिया। उसका बाहर कभी किसी से भी मिलने का मन नहीं करता था और न ही वह ऑफिस जाना चाहती थी। लेकिन अशोक जी ने उससे जिद की कि वह ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर ले ताकि उसका मन लगा रहे। लेकिन वही कहते हैं ना, जब किसी भी लड़की पर इस तरह की विपदा आती है या फिर उसकी पति का साथ नहीं रहता है तो लोग बिना उस लड़की के दर्द और तकलीफ को समझे उस पर उंगली उठाने में जरा भी देर नहीं करते। ऐसा ही कुछ सीमा के साथ भी हुआ। आइए चलते हैं कहानी के वर्तमान में। अशोक जी की तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए वो दफ्तर न जाकर घर पर ही कुछ दिन के लिए आराम कर रही थी। सीमा भी उसकी देखभाल करनी चाहती थी, लेकिन उसकी सास निर्मला जी ने उसे यही कहकर मना कर दिया, सीमा बेटा तुम्हारे पापा का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ घर पर, तुम जाकर ऑफिस का काम संभालो, हमारी बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे पता है कि अब तुम हमारा बेटा हो, लेकिन जब भी कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगी। अब तुम शांति से ऑफिस जाओ, यहाँ की चिंता मत करो। सीमा भी चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गई। उस दिन शाम को एकदम से मौसम खराब हो गया और बाहर बारिश हो रही थी। सीमा को ऑफिस से निकलने में थोड़ी देर हो गई। जैसे ही वह बाहर आई तो देखा गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और ऐसे में वह कर भी क्या सकती थी। तभी उसके सहकर्मी राजीव ने उसे घर तक छोड़ने के लिए कहा। सीमा के पास और कोई चारा नहीं था और उसे घर भी जल्दी पहुंचना था क्योंकि उसे अपने ससुर जी की भी बहुत चिंता सता रही थी। इसलिए वह राजीव की बात मानकर उसके साथ गाड़ी में घर आ गई। जैसे ही घर गाड़ी घर के आगे रुकी, आस पड़ोस के कुछ लोगों ने सीमा को देखकर बातें बनाना शुरू कर दिया। घर के अंदर आते ही सीमा के कानों में कुछ आवाज़ें पड़ी। हाय देखो तो कितनी बेशर्म लड़की है यह, हमें तो इसका चाल चलन पहले ही सही नहीं लगता था। हाँ सही कहा आपने, ऐसी लड़कियों को तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए बाहर निकलने का। पति को मरे हुए कुछ समय भी नहीं हुआ, इसने तो दूसरे लड़कों पर डोले डालना शुरू कर दिया। पता नहीं अशोक जी और निर्मला जी को इनके कारनामों को नहीं दिखाई देते हैं। खैर हमें क्या उनके घर की इज्जत, अब घर की बहू को इतना सर चढ़ाएंगे तो बहुत तो नाचेगी ही ना, धीरे धीरे अपने सारे रंग दिखा देगी। इतनी जली कटी बातें सुनने के बाद भी सीमा कुछ क्षण नहीं बोली और चुपचाप घर के अंदर आ गई। अब कैसी तबीयत है पापा, सीमा ने पूछा। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है, कुछ हुआ है क्या? नहीं पापा सब ठीक है, अब बस थोड़ा थक गई हूँ, कपड़े चेंज करके आती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चली गई और वहाँ जाकर बुरी तरह टूट कर रोने लगी। वही सीमा जो हर गलत बात का विरोध करती थी, वही लड़की जो किसी भी तरह की गलत बात को सुनकर बिना जवाब दिए घर नहीं आती थी, आज कैसे वो चुपचाप खुद के चरित्र पर उंगली उठने के बावजूद भी सब कुछ सुनकर सहकर घर आ गई। खुद का ऐसा रूप देखकर वो खुद हैरान थी क्योंकि इतना बदल गई थी वह। आज उसका खुद से सवाल करने का मन कर रहा था। मैं पहले तो ऐसी नहीं थी, अगर निखिल मेरा साथ समय से पहले छोड़कर चले गए तो इसमें मेरी क्या गलती, क्या उनके जाने से मैं चरित्रहीन हो गई हूँ? क्यों लोग बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी धारणा बना लेते हैं और बिना उसकी दर्द तकलीफ जाने कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते
यही सब सोचते सोचते कब उसकी आँख लग गई उसे भी पता नहीं चला। जब वही सुबह उठी तो उसके सास ससुर उसके पास आए। अशोक जी ने पूछा, क्या हुआ है बेटा, कोई परेशानी है क्या? नहीं पापा, सब ठीक है। तुम मेरी बेटी हो, चाहे तुम कुछ ना कहो लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे सब बता रही हैं। रोते रोते सीमा ने सारी बातें अपने सास ससुर को बता दी और कहने लगी, पापा मम्मी अब से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, प्लीज़ मुझे घर पर ही रहने दीजिए, मुझसे अब यही सब और सहन नहीं होगा। तभी अशोक जी ने कहा, मेरी बेटी इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती है, मैं तुम्हारे ससुर नहीं पिता हूँ, अब से तुम अपनी जिंदगी खुल कर जियोगी बिना इस घटिया मानसिकता वाले लोगों की बातों का विचार करे। मुझे मेरी वही बेबाक और बिना डरे अपनी बात कहने वाली सीमा चाहिए। जब हम बुरी तरह से टूट गए थे तो तुमने हर पल अपना दर्द छुपा करके हमारा हौसला बढ़ाया, एक बेटी की तरह हमारा ख्याल रखा। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि एक माता पिता होने का फर्ज निभाएं और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दें। अब से तुम वैसे ही जियो जैसे शादी से पहले जीती थी, मैं तुम्हारी साथ हमेशा खड़ा हूँ। अपने ससुर के मुँह से यही सब बातें सुनकर सीमा उनकी गले लगकर जोरों से रोने लगी, लेकिन आज उसकी आंखों में यह आंसू खुशी के थे। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।